हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वुडन पजल को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे स्क्रैम्बल करते हैं। तो इसको स्क्रैम्बल करने के लिए इसके कॉर्नर जो है उनको पकड़ना होगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना होगा। दिस इज स्क्रैम्बल। तो चले इसको अनस्क्रैम्बल करना शुरू करते हैं। तो हमें इसके दो पेटल्स हैं, उनको उठाना है और फिर इनको इनके जो सेंटर कॉर्नर है उनको एक दूसरे से टच करना है और फिर दूसरा पेटल उठाना है और फिर उस पेटल को भी का जो सेंटर कॉर्नर है उनको इन सेंटर कॉर्नर से भी टच करना है और फिर एक फ्लावर दिखने लग जाएगा। जब वो फ्लावर हमने तीन पीसेस को इसके सेंटर कॉर्नर से जॉइन कर दिया है तो अब ये हमें फ्लावर जैसा दिख रहा है। तो हम इसको नीचे रख देंगे और फिर बाकी के बचे हुए पीसेस उठा लेंगे और फिर उनके जो सेंटर कॉर्नर है उनको भी ऐसे ही सेम तरीके से मैच करेंगे। पर उसमें हमने राइट तरफ वो एक पीस फिक्स करा था इधर, इसमें हमें उसको लेफ्ट साइड फिक्स करना है। और जब ये फिक्स हो जाएगा तब एक फ्लावर वैसा ही और दिखेगा। फिर हमें दूसरा जो फ्लावर हमने नीचे रखा था उसको उठाना है और फिर दूसरे के साथ जॉइन करना है। और जैसे ही आप उनको जॉइन करेंगे वो अंदर फिट धक्का देंगे, वो अंदर फिट हो जाएंगे। आपको ही थोड़ी देर तक ट्राई करना पड़ेगा बार बार, पर आपसे ये सॉल्व नहीं होगा फिर थोड़ी देर में आप इसको अपने आप सॉल्व करने लग जाएंगे। तो ये अनस्क्रैम्बल्ड हो चुका है। देखिए मैं अगली वीडियो में आपके लिए नया क्यूब या फिर वुडन पजल लेके आऊंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। बाय बाय।